नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज शेड्यूल में। आज हम टीजीटी पीजीटी आर्ट की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी रिवीजन की, उसकी थर्ड वीडियो है ये। और इसमें पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र। इसमें हम पढ़ेंगे जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, सित्तनवासल, सिगिरिया, एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाएँ। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम जोगीमारा की गुफाएँ। आज इस वीडियो में हम बहुत स्पीड से पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है और हमें कंप्लीट करना है कम से कम समय में, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़ें। भारतवर्ष में भित्ति चित्रों का निर्माण का जो आरंभ है वो माना जाता है जोगीमारा से। किस गुफा से? जोगीमारा से। ये आप देखिए, ये है सीता वेंगड़ा नामक गुफा, जिसको प्राचीन नाट्यशाला भी कहा जाता है। ये रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। जोगीमारा से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो हैं भित्ति चित्र। जोगीमारा गुफा है मौर्य कालीन। किसके कालीन गुफा है जोगीमारा? ये है मौर्यों के कालीन। इसका जो समय है वो 300 ईस्वी पूर्व का है। जोगीमारा गुफा के जो चित्र हैं उनकी अवधि मानी जाती है अजंता गुफाओं से पूर्व की। अभी हमने जब आपको बताया कि भित्ति चित्रों की जो आरंभ माना जाता है वो जोगीमारा की गुफाओं से ही माना जाता है, तो सबसे पहले जितनी भी भित्ति चित्र जितनी भी गुफाओं में अंकित हुए हैं उन सबसे पहले जोगीमारा के भित्ति चित्रों की अवधि मानी जाएगी। उस हिसाब से अजंता के गुफाओं से भी पहले जोगीमारा की गुफाओं की अवधि मानी जाती है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है आज के समय में। और अगर पहले की देखा जाए पूर्व में, तो ये मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में स्थित थी। अगर आपके ऑप्शन में छत्तीसगढ़ दिया होता है तो आपको छत्तीसगढ़ ही लगाना है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं दे तो आप मध्य प्रदेश भी लगा सकते हैं उस कंडीशन में। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो जोगीमारा जो गुफाएं हैं वो रामगढ़ पहाड़ी में स्थित हैं। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। आप जानते हैं कि हमारा चल रहा है रिवीजन, और रिवीजन में हमें स्पीड में ही चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप थोड़ा स्पीड पकड़कर उसी हिसाब से काम करें। जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो प्रेक्षागृह नाट्यशाला थी, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया चित्र के माध्यम से भी दिखाया था, सीता वेंगड़ा जो गुफा थी उसको प्राचीन नाट्यशाला भी कहा जाता है। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला यानी कि थिएटर थी वो थी सीता वेंगड़ा। आइए अब बात करते हैं जोगीमारा से प्राप्त चित्रों की। 1914 ईस्वी में असित कुमार हल्दर तथा क्षेमेंद्रनाथ ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया, इनके संबंध में विवरण प्रस्तुत किया। इन्होंने इसमें प्राप्त 7 चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन दिया है जो कि इस प्रकार है। ये जो प्रथम खंड है इसमें कुछ आदमियों की आकृतियां तथा हाथियों के चित्र अंकित किए गए हैं। जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति है जो मगर है अंकित है। यह चित्र गजग्रह की पौराणिक कथाओं से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय खंड की। द्वितीय खंड में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं, और तृतीय खंड में सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाघ का दृश्य अंकित किया गया है। इसमें लाल लिली यानी कि कुमुदनी के पुष्प पर एक युगल नृत्य करते चित्रित किया गया है। बात करते हैं चतुर्थ खंड की। इस खंड में बौना आकार की अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। जो मनुष्य है उनके सर पर चोंच भी बनाई गई है। पंचम खंड में एक लेटी स्त्री की यानी कि जो स्त्री है उसको नृत्य की कहा जा सकता है, लेटी हुई नृत्य की चित्र अंकित है, और उसके चारों ओर गायन वादन में रत मनुष्य आकृतियां पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई हैं। छठा जो खंड है उसमें
प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई देता है। सातवें खंड में ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। किसके समान? ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं सातवें खंड में। यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरित का मंचन कहाँ होता है? तो ये सीता वेंगड़ा नामक जो नाट्यशाला गुफा है वहाँ होता है। ये कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रामगढ़ पहाड़ी में। कहाँ? रामगढ़ पहाड़ियों में सीता वेंगड़ा गुफा, जिसको प्राचीन नाट्यशाला भी कहा जाता है। वर्ष 1914 ईस्वी में जोगी मारा के चित्र की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की थी? तो हमने सबसे पहले ही ये क्वेश्चन पढ़ा था जब हमने जोगी मारा के चित्रों को देखा था। तो ये किस किसने तैयार की थी? ये की थी असित कुमार हल्दर तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने इनको तैयार किया था। कब? 1914 में। सतनुका तथा देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जोगी मारा में। जोगी मारा की जो गुफाएं हैं उसमें सतनुका और देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण हुआ है। जोगी मारा के चित्र बने हैं, ये चित्र बने हैं छतों पर। जोगी मारा गुफा की जो माप है वो है 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी तथा 6 फीट ऊंची। जोगी मारा के चित्र मिलते जुलते हैं, तो ये मिलते जुलते हैं भरहुत और सांची की कला से। किससे मिलते हैं? भरहुत और सांची की कला से। यदि आपसे पूछा जाए कि सांची की कला से किसके चित्र मिलते जुलते हैं, तो ये मिलते हैं जोगी मारा के। जोगी मारा गुफा के चित्र के विषय हैं, जोगी मारा के चित्रों के जो विषय हैं वो हैं जैन धर्म से संबंधित। जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, तो इनके हिस्सों का क्या, इनके चित्रों का जो हिस्सा नहीं है वो क्या नहीं है? ये है नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। चलिए अब चलते हैं अजंता की गुफाओं पर। अजंता की गुफाओं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की हमें इसको ज़रूरत है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। ये देखिए, ये जो पहाड़ियों पर अजंता की गुफाएं चित्रित, अजंता की गुफाएं हैं वो आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाई गई हैं। अजंता की गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक ज़िला है। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था? ये अभी थोड़ी देर पहले जब हमने जोगी मारा की गुफाओं के विषय में पढ़ा था तब हमने देखा था कि अजंता की गुफा के भित्ति चित्रों से पहले किसके भित्ति चित्रण हुआ था? तो ये हुआ था जोगी मारा की गुफाओं से। हमें माना जाता है, जब हमने स्टार्ट किया था जोगी मारा को तो पढ़ा था कि माना जाता है जोगी मारा के जो भित्ति चित्र हैं वो सबसे प्राचीन भित्ति चित्र हैं। इसलिए जितनी भी गुफाओं में प्राप्त चित्र हैं वो उन सबसे प्राचीन जोगी मारा के भित्ति चित्र माने जाते हैं। अजंता की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? तो वेन सांग ने अजंता की गुफाओं को सबसे पहले देखा था। वेन सांग कहाँ का यात्री था? तो वेन सांग चीनी यात्री था। अजंता गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी? तो अजंता की गुफा की खोज जो की थी वो 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने की थी। सबसे पहले 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ ने की थी। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं बौद्ध संगतियों के बारे में। तो हम जानेंगे कि ये जो चार बौद्ध संगतियाँ हुई थी वो किस स्थान पर, किसके शासनकाल में और किस समय इनका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रथम बौद्ध संगति पर, जो हुई थी राजगृह में सतपर्णी गुफा में। इसका समय है 483 ईस्वी पूर्व। किस समय हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व। किस स्थान पर? राजगृह। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप और अजात शत्रु के शासनकाल में ये हुई थी। अजात शत्रु हर्यक वंश के शासक थे। इसका जो उद्देश्य था वो था बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित करना।
इसके बाद बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति की, जो कि हुई थी वैशाली में। इसका समय था 383 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति? तो ये हुई थी वैशाली में। समय था 383 ईस्वी पूर्व। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे साबक मीर सर्वकामनी। इसका शासनकाल था, तो ये शासनकाल था कालाशोक का, जो कि शिशुनाग वंश के शासक थे। उद्देश्य था इसका अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित तथा महासंघिक दो भागों में बांटना। कितने भागों में बांटना? दो भागों में बांटना। कौन कौन से? स्थापित तथा महासंघिक। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। अगर प्रथम बौद्ध संगति की बात करें तो वो हुई थी राजगृह में, और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। इसका समय था 251 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। कौन थे? मोगलीपुत्तिस। और शासनकाल था अशोक का, और जो अशोक थे वो थे मौर्य वंश के शासक। इसका उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्वामित्व प्रदान करने का प्रयत्न करना। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया था, तथा तीसरा पिटक। कौन सा पिटक? तीसरा। कौन सा था तीसरा पिटक? अभिधम्म पिटक। इसको जोड़ा गया। अच्छा, इससे पहले जो दो पिटक थे वो कौन कौन से थे? विनय पिटक और सुत्त पिटक, जिनको किस में जोड़ा गया था? प्रथम बौद्ध संगति में। कहाँ हुई थी? राजगृह। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। और तीसरा जो पिटक है वो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था तृतीय बौद्ध संगति में। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी अशोक के शासनकाल में। अशोक किस वंश के शासक थे? तो ये मौर्य वंश के शासक थे। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। अब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति की, जो हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। कहाँ? कश्मीर के कुंडल वन में। इसका समय लगभग में दिया हुआ है, एकदम सटीक समय नहीं दिया हुआ है, तो पढ़ते हैं लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष हैं इसके वसुमित्र एवं अश्वघोष उपाध्यक्ष हैं। शासनकाल था कनिष्क का, जो कि कुषाण वंश के शासक थे। इसका उद्देश्य जो था वो बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन था। तो हीनयान तथा महायान का विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कि कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क थे कुषाण वंश के शासक। अजंता गुफाओं तक पहुंचने के लिए निकट रेलवे स्टेशन का सुविधा स्थान है, तो कौन सा है? जलगांव। जलगांव जो है वो अजंता के निकट एक रेलवे स्टेशन है। किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण हुआ है? तो ये हुआ है अजिष्ठा के नाम पर। अजिष्ठा के नाम पर अजंता का नामकरण हुआ है। अजिष्ठा गुफाओं के, यानी कि अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई थी? तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी रॉबर्ट गिल के द्वारा। अजंता की जो भित्ति चित्रों की सबसे पहले अनुकृतियाँ बनाई गई थी किसके द्वारा? रॉबर्ट गिल के द्वारा। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो ये गुप्त वंश के शासनकाल में हुई थी। किस वंश के शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। अजंता गुफा कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? तो अजंता गुफाओं की जो तैयार होने का समय है तो वो है 850 वर्ष। 850 वर्ष का कुल समय इनको तैयार होने में लगा था। अजंता के सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 में। आइए आगे देखते हैं। सबसे बाद में चित्रित गुफा है, तो ये गुफा है पहली गुफा। सबसे बाद की जो गुफा है वो सबसे पहली गुफा है, और सबसे प्राचीन जो गुफा है, यानी कि जो सबसे पहली गुफा मानी जाती है, वो है गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10।
गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 में सबसे प्राचीन चित्र पाए जाते हैं, और सबसे बाद में पहली गुफा में। तिब्बती इतिहासकार जो थे लामा तारानाथ, ये भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक थे। किस पुस्तक के? भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की जिन तीन शैलियों का वर्णन इस पुस्तक में किया है, कौन सी पुस्तक में? भारत वर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास। इसमें उन्होंने किन तीन शैलियों का वर्णन किया है? तो ये तीन शैलियां हैं देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली। कौन सी पुस्तक है लामा तारानाथ की? ये पुस्तक है भारत वर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास। इसमें कितनी शैलियों का वर्णन है? तीन शैलियों का। कौन कौन सी? देव शैली, नाग शैली और यक्ष शैली। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 2 प्रकार की गुफाएं हैं, जिनमें से 25 गुफाएं बिहार हैं और 5 गुफाएं जो हैं वो चैत्य हैं। 25 गुफाएं बिहार हैं और 5 गुफाएं चैत्य हैं। बिहार गुफाएं किसको कहा जाता है? बिहार जो गुफाएं हैं वो भिक्षुओं का आवास गृह होती हैं। चैत्य जो गुफाएं हैं वो बौद्ध भिक्षुओं का उपासना स्थल होती है, या कहें पूजा गृह होती हैं। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। अभी जब मैंने आपको बताया कि 25 बिहार और 5 चैत्य, तो टोटल मिलाकर 30 गुफाएं अजंता में होती हैं। अजंता चित्रों का मुख्य विषय है क्या? है अजंता चित्रों का मुख्य विषय, अजंता चित्रों का मुख्य विषय है बुद्ध अथवा बौद्ध धर्म। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? यहाँ पर 547 जातक कथाएं चित्रित हैं। अच्छा, जातक कथाएं होती क्या हैं? जातक कथाएं होती हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। जातक कथाओं की भाषा होती है पाली। अजंता के चित्र संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं बुद्ध से। अभी बताया बुद्ध या बौद्ध धर्म से ये चित्र संबंधित हैं। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? ये जो बोधिसत्व नामक जो है पेंटिंग, ये पद्मपाणि बोधिसत्व के नाम से जानी जाती है और ये गुफा संख्या 1 में बनी है। बहुत ही फेमस पेंटिंग है और अधिकतर इससे क्वेश्चन बनते हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है, तो ये जो गुफा है, गुफा संख्या 1, इसका निर्माण काल है 7वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 7वीं शताब्दी। पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? तो ये अजंता में है। पद्मपाणि बोधिसत्व क्या है? पद्मपाणि बोधिसत्व एक भित्ति चित्र है, जो बुद्ध का भित्ति चित्र है, जिसमें बुद्ध हाथ में कमल लिए हुए अंकित किए गए हैं। ये अजंता गुफा में चित्रित है। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अंकित चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये चित्र है अजंता की गुफा संख्या 1 में। आप ये देखिए, ये चित्र जो दिया हुआ है, ये है पद्मपाणि बोधिसत्व। इसका अर्थ होता है हाथ में कमल लिए हुए बोधिसत्व। ये अजंता में स्थित है गुफा संख्या 1 में, ये जो चित्र है वो अंकित है। अजंता गुफा में 1000 बुद्ध, कौन सा 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में है? तो ये है गुफा संख्या 2 में। अजंता चित्र का माध्यम क्या है? मुख्य रूप से अजंता चित्रों का जो माध्यम है वो है टेम्परा। विकल्प में अगर टेम्परा आपको नहीं दिया जाता तो आप फ्रेस्को तकनीकी भी लगा सकते हैं। अजंता के भित्ति चित्रों का जो माध्यम है, या कहें विधि से, किस विधि से ये चित्र निर्मित किए गए हैं? तो ये टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि से चित्रित किए गए हैं, या कहें मिश्रित विधि से ये चित्र अंकित किए गए हैं। अजंता के भित्ति चित्रों में किन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक मिलता है? तो यहाँ पर खनिज रंगों का प्रयोग जो है वो सर्वाधिक मिलता है। गौतम बुद्ध का उपदेश था, क्या था गौतम बुद्ध का उपदेश? ये था चरत भखवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अजंता में प्रयुक्त नीला रंग
जिसको कहा क्या कहा जाता है, लेपिस लाजुली। क्या लेपिस लाजुली? ये कहाँ से मंगाया जाता था? तो ये मुख्य रूप से ईरान से मंगाया जाता था, जिसको फारस भी कहा जाता है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो 600 गज में फैली हुई हैं। अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो 100 किलोमीटर दूर हैं एलोरा की गुफाओं से। इसको 62 मील भी कहा जा सकता है। अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर घोषित किया था? तो कब यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो ये किया था 1983 ईस्वी में। कब? 1983 ईस्वी में। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतहों को तैयार करने की में जो तकनीकी को अपनाया जाता है वो कौन सी तकनीकी है? तो वो है चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। चावल की भूसी जो है उसको गोंद सहित गाय के गोबर के साथ मिलाकर लगाया जाता है सतह तैयार करने के लिए अजंता के भित्ति चित्रों की। अजंता के चित्रों में पीला रंग बनाया था, तो ये बनाया था संखिया के भस्म से। किससे बनाया था? संखिया के भस्म से अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो ये 16वीं गुफा में चित्रित है। कौन सी गुफा में? 16वीं गुफा में महात्मा बुद्ध का गृह त्याग नामक जो चित्र है वो अंकित है। इसके अलावा 16वीं गुफा में और कौन कौन से चित्र अंकित हैं तो एक बार देख लेते हैं। बुद्ध उपदेश नामक जो चित्र है वो 16वीं गुफा में अंकित है। मरती हुई राजकुमारी, या कहें मरणोन्मुखी राजकुमारी या मरणासन राजकुमारी जो है वो भी गुफा संख्या 16 में ही अंकित है। बुद्ध की पाठशाला नामक चित्र भी गुफा संख्या 16 में अंकित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो यहाँ परिप्रेक्ष्य का जो उपयोग हुआ है, जो प्रयोग हुआ है वो काल्पनिक रूप में हुआ है। अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? अभी हमने बात की मरणासन या मरणोन्मुखी राजकुमारी के बारे में, तो ये गुफा संख्या 16 में चित्रित है। 16वीं गुफा का भाव चित्रण की दृष्टि से कौन सा चित्र सर्वोत्तम है? अच्छा, इस मरणोन्मुखी राजकुमारी नामक चित्र को अगर इसकी विशेषताओं के बारे में जाएं हम, तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो भाव चित्रण की दृष्टि से सर्वोत्तम इस चित्र को माना जाता है। तो ये जो चित्र है भाव चित्रण की दृष्टि से जो सर्वोत्तम चित्र है वो मरती राजकुमारी का चित्र है। अजंता की सबसे जो प्रथम बनी प्रतिलिपियां हैं वो कहाँ प्रदर्शित हैं? तो ये क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हैं। कहाँ? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? अप्सरा नामक जो चित्र है वो अजंता की 17वीं गुफा में है। चलिए देखते हैं एक बार 17वीं गुफा में कौन कौन से चित्र अंकित हैं। तो 17वीं गुफा में हंस जातक नामक एक चित्र अंकित है। इसके अतिरिक्त शिवी जातक नामक चित्र भी अजंता की गुफा में अंकित है। इसके अलावा राहुल समर्पण, क्या राहुल समर्पण नामक चित्र अजंता की गुफा में गुफा संख्या 17 में अंकित है। इसके अतिरिक्त बेसांतर जातक, कौन सा? बेसांतर जातक। अभी हमने कौन कौन से जातक के विषय में पढ़ा? हंस जातक, शिवी जातक और बेसांतर जातक। ये कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 17 में। इसके अलावा श्रृंगार करती राजकुमारी खंबे के ऊपर और छंदत जातक, कौन सा? छंदत जातक। माता पुत्र, श्याम जातक आदि चित्र जो हैं वो गुफा संख्या 17 में अंकित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी। तो क्यूरेटर की नियुक्ति अजंता में कब हुई थी? ये हुई थी 1908 ईस्वी में। कब? 1908 ईस्वी में। अजंता चित्रों के कलाकार कौन थे? तो ये बौद्ध भिक्षु जो थे वो ही अजंता के चित्रों का निर्माण किया करते थे।
कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। चित्रकला, मूर्तिकला और वस्तुकला का संगम एक साथ कहाँ दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अजंता के चित्रों में। कहाँ पर? अजंता के चित्रों में। भाव प्रवणता का उन्नत रूप किस शैली में चित्रित है? ये किस शैली में चित्रित दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है अजंता शैली में। अजंता के किन्हीं दो चित्रों का नाम बताइए जिनमें रौद्र रस का चित्रण किया गया है। कौन कौन से चित्र हैं? मार विजय एवं लड़ते हुए बैल। कौन सा चित्र? मार विजय एवं लड़ते हुए बैल। इसमें क्या अंकित किया गया है? रौद्र रस का चित्रण। अजंता में रंगों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है? तो इसमें जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो है गहरे चमकीले रंग को प्रतीकात्मक विधि से। गहरे चमकीले जो रंग हैं उनको प्रतीकात्मक विधि से अजंता के रंगों का प्रयोग किया गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं अजंता की प्रमुख गुफाएं एवं उनके चित्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुफा की और उसके बाद हम बताएंगे कि किस गुफा में कौन सा चित्र अंकित है। गुफा संख्या 17 से बात करते हैं। हम यहाँ लाइन से बात करेंगे, इसके हिसाब से नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे आपको याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो हम बात करेंगे गुफा संख्या 17 के चित्रों की, या फिर हम बात करते हैं गुफा संख्या 1 से। तो हम बात करेंगे गुफा संख्या 1 में कौन कौन से चित्र हैं। बात करते हैं गुफा संख्या 1 की। गुफा संख्या 1 में मार विजय, इसके अतिरिक्त पद्मपाणि बोधिसत्व जो हाथ में कमल लिए हुए बोधिसत्व का चित्र है, वह राज दरबार में ईरानी दूत आदि जो चित्र हैं वो गुफा संख्या 1 में अंकित हैं। अब बात करते हैं गुफा संख्या 2 की। तो गुफा संख्या 2 में सर्वनाश, प्राण की भिक्षा, छांदीवातक वादी जातक, जिसको कहा जाता है छांति वादी जातक। कौन से चित्र को? प्राणों की भिक्षा। इसके अतिरिक्त बुद्ध जन्म, इसके अतिरिक्त माया देवी का स्वप्न, सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश, सहस्त्र बुद्ध आदि जो चित्र हैं वे गुफा संख्या 2 में अंकित हैं। कौन सी गुफा में? गुफा संख्या 2 में। अब इसके बाद हम बात करते हैं गुफा संख्या 9 की। तो गुफा संख्या 9 में जो है वो स्तूप पूजा नामक चित्र अंकित है। अब बात करेंगे गुफा संख्या 10 की। तो गुफा संख्या 10 में श्याम जातक नामक जो चित्र है वो अंकित है, और छंद जातक नामक चित्र भी गुफा संख्या 10 में अंकित है। इसके बाद हम बात करते हैं 16वीं गुफा की, और इसके बाद हम बात करेंगे 17वीं गुफा की। 16वीं गुफा की में जो चित्र हैं उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रमुख माना जाता है, बुद्ध की पाठशाला, मरती हुई राजकुमारी, बुद्ध उपदेश आदि जो चित्र हैं वो 16वीं गुफा में चित्रित हैं। अब बात करते हैं अंतिम और 17वीं गुफा के चित्रों की। हंस जातक, शिव जातक, राहुल समर्पण, वेशांतर जातक, श्रृंगार करती राजकुमारी खंबे के ऊपर, छंदत जातक, माता पुत्र, श्याम जातक आदि जो चित्र हैं वो हैं गुफा संख्या 17 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस तरीके से चित्रों को याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम कर रहे हैं डिवीज़न तो ज़रूरी है सारी चीज़ों को कवर करके चलना। चलिए चलते हैं आगे। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक व सबसे सुरक्षित अवस्था में चित्र हैं? तो ये है गुफा संख्या 17 में। आपने अभी देखा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चित्रों की संख्या थी वो गुफा संख्या 17 की ही चित्रों की यहाँ पर दी हुई थी। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? ये गुफा संख्या 17 को ही कहा जाता है। महाहंस जातक किस अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? तो ये है गुफा संख्या 17 में। कौन सा? महाहंस जातक। अजंता की समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक किस गुफा में है?
तो ये है गुफा संख्या 17 में। अब चलिए देख लेते हैं अप्सरा नामक जो चित्र है उसको। ये जो चित्र है ये अप्सरा नामक चित्र है जो गुफा संख्या 17 में चित्रित है। वर्तमान में अजंता में कुल कितनी गुफाओं के में जो हैं वो चित्र शेष बचे हैं? तो ये 6 गुफाओं में चित्र हैं जो शेष बचे हैं। गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 2। अजंता की चित्रकारी किस शैली पर आधारित मानी जाती है? तो ये मानी जाती है देव शैली पर आधारित। किस शैली पर? देव शैली पर। फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं अजंता में। कहाँ पर? अजंता गुफाओं में। फ्रेस्को सेको तकनीकी में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति प्रयोग में लाई जाती है? तो इस तकनीकी में जो है वो सूखी भित्ति, कहें तो शुष्क भित्ति प्रयोग में लाई जाती है। छंदत जातक की कथा का वर्णन किस गुफा में है? तो ये है गुफा संख्या 10 में। इसके अलावा ये गुफा संख्या 17 में भी अंकित है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो यह है गुफा संख्या 17 में। कौन सी में? गुफा संख्या 17 में। कौन सा चित्र? भिक्षुक बुद्ध। राहुल समर पर जो चित्र है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा साथ के साथ। राहुल समर्पण जो चित्र है वो गुफा संख्या 17 में अंकित है। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? तो ये है माता पुत्र। ये चित्र किस किस का है? ये है यशोधरा तथा राहुल का। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्र चित्रित है? ये है गुफा संख्या 17 में। अजंता के चित्र निर्मित हैं, ये निर्मित हैं भित्ति पर। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? भित्ति चित्र जो है ये अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है। शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है, क्या चित्रित है? अग्नि तथा इंद्र। कहाँ चित्रित है? शिव जातक में, शिव जातक के अंतिम दृश्य में। किसके रूप में? साधु के रूप में। जापान स्थित जापान में जो स्थित है होरियोजी मंदिर, उसके भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? किस शताब्दी के हैं? 8वीं शताब्दी के। कहाँ के चित्र हैं? होरियोजी मंदिर के। ये कहाँ स्थित है? जापान में। कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला भाग है अलंकारिक, दूसरा भाग है रूप भेदिक और तीसरा जो भाग है वो है वर्णात्मक, यानी कि जातक कथाएं। अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं? तो अजंता में मैंने जैसे आपको बताया कि 5 चैत्य गुफाएं हैं, तो ये कौन कौन सी है? ये है गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 19, गुफा संख्या 26 और गुफा संख्या 30। ये चैत्य गुफाएं हैं। चैत्य गुफाएं कौन सी गुफाएं होती हैं? जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं, यानी कि उनका पूजा ग्रह जो है वे चैत्य गुफाएं कहलाती हैं। अजंता में बिहार गुफाएं हैं, तो अजंता में कुल 25 बिहार गुफाएं हैं। अजंता में कितनी प्रकार की रेखा शैलियाँ मिलती हैं? रेखा शैलियों की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये 20 प्रकार की जो है वो रेखा शैलियाँ यहाँ पर मिलती हैं। अजंता चित्रकला है, अजंता चित्रकला जो है वो रेखा प्रधान है। कौन सी? रेखा प्रधान। पाश्चात्य कला है छाया प्रकाश प्रधान, और अजंता की कला रेखा प्रधान। अजंता की चरम उपलब्धि है, अजंता की जो चरम उपलब्धि है वो है नारी का चित्रण। अजंता की किस गुफा संख्या में नीले रंग का प्रयोग मिलता है? तो ये मिलता है गुफा संख्या 2 में और गुफा संख्या 17 में। मार विजय का जो श्रेष्ठ चित्र है वो अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो ये है पहली गुफा में, गुफा संख्या 1 में। मार विजय नामक जो चित्र है वह अंकित है।
अजंता की किस गुफा में सुवर्ण रंग का प्रयोग मिलता है? ये मिलता है गुफा संख्या 10 में। नीले रंग का प्रयोग कहाँ मिलता है? गुफा संख्या 2 में और गुफा संख्या 17 में। स्वर्ण युग का गुफा संख्या 10 में। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो ये की गई थी जापानियों के द्वारा। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप है राजगीर बिहार में स्थित। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो ये हमने बौद्ध संगति जब हमने पढ़ी थी तब भी हमने देखा था कि बौद्ध पिटक जो हैं वे पाली भाषा में लिखित हैं। कौन कौन से हैं बौद्ध पिटक? कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? ये सबसे पहला है धम्म पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और लास्ट वाला है अभिधम्म पिटक। कौन सा? सबसे पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है तो ये है महाबोधि मंदिर। कौन सा? महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है बिहार के गया जिले में। कहाँ? बिहार के गया जिले में। और ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो इन गुफाओं को कहा जाता है संघाराम। क्या? संघाराम। प्राचीन बौद्ध कला का पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार जो हैं वो हैं लामा तारानाथ। ये कहाँ के थे? ये थे तिब्बत के। प्रारंभिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? तो ये आते हैं खनिज रंग। आलेखन कला की जो बहुलता है वो है गुप्त शैली में। अजंता के किस गुफा में शिव जातक का अंकन मिलता है? ये मिलता है 17वीं गुफा में। अजंता में सिंदूर रंग की रंग किन आकृतियों में भरा गया है? ये भरा गया है काली राजकुमारी जो कि गुफा संख्या 1 में है, अजात शत्रु की पत्नी जो गुफा संख्या 2 में है तथा राजभवन में रानी जो गुफा संख्या 16 में है। अजंता की किस गुफा की दीवार पर चैत्य द्वारों के मेहराब यूनानी रोमन परिप्रेक्ष्य में चित्रित हैं? ये हैं गुफा संख्या 10 में अंकित षणदंत जातक कथा में। कौन सी में? षणदंत जातक कथा में, जो है गुफा संख्या 10 में। अजंता के चित्र किस नायक के शरीर का रंग काला दिखाया गया है? अजंता के जो चित्र हैं उसमें किस नायक के शरीर का रंग काला दिखाया गया है? तो यह है श्याम जातक। अजंता की किस गुफा का प्रवेश द्वार पहाड़ियों के ऊपर से मद्रास आर्मी के सेना नायक जॉन स्मिथ को सर्वप्रथम दिखाई दिया था? तो ये दिखाई दिया था गुफा संख्या 10 का। भारत की शास्त्रीय कला जिसे क्लासिकल आर्ट कहा जाता है किसे कहते हैं? ये कहते हैं अजंता को। किसको? अजंता। बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमाएं या आकृतियां नासिक व कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी है? तो ये बनी है पोलो नरुआ श्रीलंका तथा अजंता महाराष्ट्र में। कहाँ कहाँ? पोलो नरुआ श्रीलंका तथा अजंता महाराष्ट्र में। बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते थे? तो ये देते थे पाली भाषा में। यूनेस्को द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों के संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स। कौन सी? पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित किया गया? ये प्रकाशित किया गया 1954 ईस्वी में। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई थी? तो ये हुई 1100 वर्ष में। कितने वर्ष में? 1100 वर्ष में। अजंता की जो पेंटिंग की बात की जाती है, अजंता की गुफाओं की जो बात की जाती है, तो वो हमने सबसे पहले पढ़ा था 800 कुछ समय उसका था। कितना समय था? 800 के लगभग। और अजंता और एलोरा दोनों गुफाओं की जब बात की जाती है तो ये 1100 वर्ष हो जाता है। अजंता में वनवासियों का चित्रण किस रंग से हुआ है? यह हुआ है हरे रंग से। अजंता के चित्रों में सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई है?
अजंता के चित्रों में सीमा रेखा जो बनाई गई है वो बनाई है गई है गेरू रंग से। अजंता की किस गुफा में शिव जातक चित्रित किया गया है? शिव जातक जो है वो अजंता की गुफा संख्या 1 में और 17 में चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 1 में और 17 में शिव जातक चित्रित किया गया है, यहाँ मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि शिव जातक जो है वो गुफा संख्या 10 में और 17 में है, मे बी 1 और 17 में नहीं है, और मैं इसको देखने के बाद कंफर्म आपको करा दूंगी, तो आप इसको एक बार रीचेक कर लें। अब आप देखिए इस चित्र को जो है गौतम बुद्ध का, इसका समय है 563 से 483 ईस्वी पूर्व का। भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया था? तो ये था सारनाथ में। बुद्ध धर्म के संस्थापक थे, बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध ने कितने दृश्य देखे थे? इन्होंने देखे थे 4 दृश्य। गौतम बुद्ध ने निर्वाण यानी कि ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया था वो किया है बोध गया में। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से नहीं रहा, यह है सांची। सांची के स्तूप का जो संबंध है वो भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से नहीं रहा। एशिया की ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का जो ज्योतिपुंज है वो कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया, क्या लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखी है एडविन अर्नाल्ड ने। किसने? एडविन अर्नाल्ड ने। पुस्तक का नाम क्या है? लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को 883 ईस्वी पूर्व महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ये हुआ था कुशीनगर में। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है दाहिनी करवट। चलिए बुद्ध के विषय में एक बार और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। पहला उपदेश जो दिया था बुद्ध ने वो दिया था सारनाथ में। बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में और 563 ईस्वी में। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। इन्होंने जो निर्वाण की प्राप्ति की थी यानी कि ज्ञान की प्राप्ति जो की थी वो की थी बोधगया में। और सांची का जो स्तूप है वहाँ बुद्ध के जीवन की घटनाओं को कोई संबंध नहीं है। एशिया का ज्योतिपुंज नामक टाइटल से बुद्ध को जाना जाता है। एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक जो लिखी थी उसमें बुद्ध के जीवन पर पूरा सार दिया हुआ है। गौतम बुद्ध को 1883 ईस्वी पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। किस जगह पर? कुशीनगर पर, कुशीनगर में। दाहिनी करवट में लेटी हुई जो मूर्ति है किसकी? परिनिर्वाण की, बुद्ध के, वो दिखाई गई है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं परिनिर्वाण की जो स्थिति है वो है दाहिनी करवट की। प्रसिद्ध चित्र पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एक किन्नर दंपति चित्रित है, ये कहाँ चित्रित है? अजंता की गुफा संख्या 17 में। कहाँ? अजंता की गुफा संख्या 17 में। चलिए अब बात करते हैं बाघ की गुफाओं की। किसकी? बाघ की गुफाओं की। ये स्थित है मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जनपद में स्थित हैं? तो ये धार जनपद में स्थित हैं। कौन से जनपद में? धार जनपद में। बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी? तो ये की थी डेंजरफील्ड ने। किसने? डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में। ये चित्र देखिए,
ये गायिकाएं नामक चित्र है जो गुफा संख्या 4 में चित्रित है। कहाँ? बाघ की गुफाओं में। बाघ गुफाओं को जाना जाता है तो इन्हें पंच पांडव नाम से भी जाना जाता है। बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? यहाँ पर अजंता शैली का प्रभाव देखा जाता है। बाघ की गुफाएं अजंता की कितनी गुफाओं के समकालीन हैं? तो ये गुफाएं गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 2 अजंता की गुफाओं की समकालीन मानी जाती हैं। बाघ की गुफाएं अजंता की किन गुफाओं के समकालीन मानी जाती हैं? 1 और 2। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ पर कुल 9 गुफाएं हैं और सभी गुफाएं बिहार हैं। बिहार किसे कहा जाता है? जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल कितना है? तो ये 23 फीट × 14 फीट इसकी माप है। 23 फीट × 14 फीट इसकी माप है। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यांक गुफा के सामने चित्रित है? यानी कि बाघ की जो चित्र है गायिकाएं, जिसको अभी आपने देखा, ये किस गुफा संख्या के सामने चित्रित है? तो ये गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित है। बाघ गुफा की चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी थी, तो ये तकनीकी है टेम्परा, जिसमें ग्लू रंग का प्रयोग हुआ है। बाघ गुफाओं के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? तो ये ग्लू रंग गोंद मिश्रित तकनीकी का प्रयोग किया गया है। भित्ति चित्रण के विषय में यदि कहा जाए तो सित्तनवासल बाघ तथा मातानचेरी इसलिए प्रसिद्ध हैं भित्ति चित्रण के लिए। असित कुमार हल्दर तथा नंदलाल बोस ने बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी? तो ये की थी 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। किस किस ने? असित कुमार हल्दर ने और नंदलाल बोस ने। बाघ गुफाएं किस काल की हैं? तो ये हैं गुप्त काल की। अजंता के विषय में भी हमने पढ़ा था, तो वे भी गुप्त काल की गुफाएं थीं। और एक प्रश्न यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि बाघ की कुछ गुफाएं अजंता के समकालीन थीं। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ है बाघ। बाघ की जो गुफाएं हैं वो अजंता की गुफाओं से कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। 2 शोकाकुल नारी का प्रसिद्ध चित्र बाघ की किस गुफा से प्राप्त होता है? तो ये है गुफा संख्या 4 में। बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? तो इन गुफाओं का प्राचीन नाम था कलियन। बाघ की गुफा किस धर्म से संबंधित हैं? ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बाघ की गुफाओं का समय क्या है? 4वीं और 5वीं सदी जो है वो बाघ की गुफाओं का समय है। बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? ये सुरक्षित हैं ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। कहाँ पर? ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? रंग महल जो है वो 4वें नंबर की गुफा है। बाघ गुफाओं के बारे में यहाँ पर इतना ही दिया हुआ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे बादामी गुफाओं के बारे में। बादामी की जो गुफाएं हैं ये कर्नाटक के बागलकोट जिले में हैं, जो पूर्व में महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित था। बादामी की गुफाएं स्थित हैं, ये हैं बीजापुर पहाड़ियों में। बादामी का प्राचीन नाम था वातापी अथवा वात्यपिपुरम। क्या था? वातापी अथवा वात्यपिपुरम। बादामी गुफाओं को किस राजवंश के तहत विकसित किया गया था? तो इन्हें चालुक्यों के शासनकाल में विकसित किया गया था। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये थी बादामी। बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया था मंगलेश ने। किसने? मंगलेश ने। मंगलेश कौन था? चालुक्य राजवंश का एक शासक।
बादामी के भित्ति चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की थी? तो ये की थी जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने, जे एम अहिवासी ने। बादामी की गुफाओं की खोज किसने और कब की थी? तो बादामी की गुफाओं की खोज की थी 1924 में स्टेला क्रेम्सन ने। किसने? स्टेला क्रेम्रिस ने 1924 ईस्वी में। वर्ष 1938 ईस्वी में अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, कौन सी पुस्तक? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, कितने वर्ष में, कौन से वर्ष में? 1938 ईस्वी में। बादामी के रंगीन चित्रों को बम्बई से किसने प्रकाशित किया था? किसने किया था? कार्ल खंडाला वाला ने। किसने? कार्ल खंडाला वाला ने अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग को 1938 में प्रकाशित किया था। अब ये देखिए चित्र, जो ये चित्र दिया हुआ है ये है नटराज प्रतिमा, जो गुफा संख्या एक में चित्रित है। और ये कहाँ चित्रित है? बादामी गुफाओं में। शिव विवाह से संबंधित चित्र मिलते हैं, ये मिलते हैं बादामी गुफाओं में। बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, ये जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म, इन तीनों के यहाँ पर चित्र देखने को मिलते हैं। बादामी गुफाओं की कुल संख्या है चार। पहली गुफा शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी गुफा तथा तीसरी गुफा जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, तथा चौथी गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो अधिकांश चित्र जो हैं वो गुफा दूसरी और तीसरी में वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। बादामी गुफा संख्या एक की छवियां हैं नटराज के रूप में भगवान शिव की। किसकी? नटराज के रूप में भगवान शिव की। बादामी गुफा संख्या चार की छवियां हैं आदिनाथ जैन तीर्थकर की। अपने संरक्षक सम्राटों को इष्ट देव तथा अन्य देवताओं के निकट अंकित करने की प्रवृत्ति किस गुफा चित्रों में आरंभ हुई? ये हुई बादामी गुफा में 578 से 579 ईस्वी में। ब्राह्मण धर्म संबंधी उपलब्ध प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ उपलब्ध होते हैं? तो ये होते हैं बादामी गुफाओं में। बादामी गुफाएं तीन धर्मों से संबंधित हैं, अभी हमने पढ़ा था, जो कि वैष्णव, शैव और जैन धर्म हैं। चलिए अब चलते हैं सित्तनवासल की गुफाओं पर। सित्तनवासल गुफा कहाँ स्थित है? तो ये गुफाएं तमिलनाडु राज्य के पदुकोटाई जनपद में हैं। कहाँ पर? पदुकोटाई जनपद में। ये चित्र देखिए, ये चित्र है सित्तनवासल गुफा का। इस चित्र का नाम है कमल वन। क्या है? कमल वन। सित्तनवासल की गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गुफाएं कावेरी नदी के किनारे स्थित हैं, क्योंकि कृष्णा नदी तमिलनाडु में नहीं बहती। सित्तनवासल के भित्ति चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इनकी खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसी शोधकर्ता श्री द्रुबिल को। किसको? श्री द्रुबिल को। सित्तनवासल गुफाओं की खोज श्री द्रुबिल ने कब की थी? तो इन्होंने ये खोज की थी 1934 ईस्वी में। सित्तनवासल गुफाओं का निर्माण कब और किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था 700 से 900 ईस्वी के मध्य पांड्य राजाओं के समय में। कब? 700 से 900 ईस्वी के मध्य। सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? ये है जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है सित्तनवासल गुफाओं से। अर्धनारीश्वर का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है सित्तनवासल गुफाओं से। सित्तनवासल गुफाओं से किसका प्रसिद्ध चित्र प्राप्त होता है? अर्धनारीश्वर का। सित्तनवासल गुफाओं की छत पर किसकी छवियां दिखाई देती हैं? तो ये छवियां हैं कमल सरोवर की।
कमल सरोवर में कमल वन का सुंदर आलेखन प्राप्त होता है सित्तन वासल से। कहाँ से? सित्तन वासल गुफाओं से। आइए अब बात करते हैं सिगिरिया की गुफाओं की। सिगिरिया गुफा कहाँ स्थित हैं? तो ये गुफाएं जो हैं वो श्रीलंका के मटाले जिले में स्थित हैं। सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? यहाँ पर कुल 6 गुफाएं हैं। ये देखिए, ये जो चित्र दिखाया गया है, ये जो चित्र है ये सिगिरिया गुफा का है, कुलीन महिला पुष्प लिए हुए। सिगिरिया में किस रंग का प्रयोग नहीं है हुआ है? तो यहाँ पर नीले रंग का प्रयोग जो है वो नहीं है। सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्र से मिलते जुलते हैं? ये चित्र मिलते हैं अजंता की गुफाओं में प्राप्त चित्रों से। सिगिरिया में चित्र बने हैं गीली दीवार पर। सिगिरिया गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो ये की थी ब्रिटिश फौज के एक अधिकारी मेजर फार्मस ने 1830 में। किसने? मेजर फार्मस ने 1830 में। सिगिरिया चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम कब और किसने बनाई हैं? तो ये बनाई 1889 ईस्वी में ए मुर्रे ने। 1889 ईस्वी में ए मुर्रे ने सिगिरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। सिगिरिया की प्रमुख निर्मित जो गुफाएं हैं ये कश्यप प्रथम के शासनकाल की हैं, जो कि 5वीं शताब्दी में निर्मित हैं। कश्यप प्रथम ये थे 5वीं शताब्दी के शासक, जिनके शासनकाल में सिगिरिया की जो गुफाएं हैं वो निर्मित हुई थी। सिगिरिया में चित्र कुल कितनी गुफाओं में पाए जाते हैं? तो सिगिरिया में कुल 2 गुफाएं हैं जिनमें चित्र पाए जाते हैं, गुफा ए तथा गुफा बी। सिगिरिया में कुल कितनी रूपायणी स्त्रियों के चित्र बने हैं? तो यहाँ पर 21 रूपायणी स्त्रियों के चित्र बने हैं, 4 गुफा संख्या ए में और 17 गुफा संख्या बी में। किस गुफा से प्राप्त आकृतियाँ सौंदर्य से परिपूर्ण किंतु आलस्यमय तंद्रा में विचरण करती हुई अंकित की गई है? तो ये हैं सिगिरिया की गुफा में। मेघ कन्या का अंकन कहाँ मिलता है? सिगिरिया में। आपसे पूछा जाए यदि क्वेश्चन में कि मेघ कन्या का अंकन जो है वो किन गुफाओं में मिलता है, तो ये मिलता है सिगिरिया की गुफा में। सिगिरिया की जो प्रतिलिपियां हैं वो वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? तो ये जो प्रतिलिपियां हैं ये कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में सुरक्षित हैं। आइए अब चलते हैं एलोरा की गुफाओं पर। एलोरा की गुफाओं के विषय में पढ़ते हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। वेरुल नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किनको? एलोरा की गुफाओं को। ये चित्र देखिए, ये है एलोरा का कैलाश मंदिर। ये देखिए, इसका जो समय है वो है 756 से 773 ईस्वी। किस साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया? तो ये थे राष्ट्रकूट शासक। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 ईस्वी के मध्य ये जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कराया था। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ पर 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदू गुफाएं हैं और 30 से 34 तक जो हैं वो जैन गुफाएं हैं। एलोरा की गुफा संख्या 16 को कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैलाश मंदिर। क्या? कैलाश मंदिर। एलोरा जो है उसकी प्रसिद्धि का कारण है, क्या है उसकी प्रसिद्धि का कारण? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। क्या क्या है? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? ये गुफा जानी जाती है इंद्र सभा के नाम से। त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है? ये मूर्ति निर्मित है कैलाश मंदिर एलोरा में। कहाँ पर? कैलाश मंदिर एलोरा में।
अब आती हैं एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर। अब इस चित्र को देखिए, ये जो चित्र है ये एलिफेंटा के त्रिमूर्ति 20 फुट की जो है ये चित्र है। इसके अलावा अब थोड़ा सा और बचा है, एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हैं? तो ये गुफाएं घिरी हैं समुद्र से। एलिफेंटा का प्राचीन नाम था, तो एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या था? एलिफेंटा का प्राचीन नाम था धारापुरी। एलिफेंटा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट के सामंत शिलाहारों के द्वारा। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है त्रिमूर्ति के लिए। त्रिमूर्ति की ऊंचाई 20 फीट या 6.1 मीटर भी कही जा सकती है। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ है? यह एलिफेंटा में। एलिफेंटा से प्राप्त बड़े पत्थर पर हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? ये सुरक्षित है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू, पूर्व नाम विक्टोरिया गार्डन, मुंबई में। कल्याण सुंदरी मूर्ति जिसमें शिव और पार्वती को दंपत्ति रूप में दर्शाया गया है कहाँ स्थित है? ये स्थित है एलिफेंटा में। चलिए चैप्टर ख़त्म होता है, काफ़ी लंबा चैप्टर था। आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।